टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नवी मुंबई के एरोली में 15 साल की बेटी ने अपनी मां की ही हत्या इसलिए कर दी है कि उसकी मां उस पर पढ़ाई करने के लिए दबाव बनाती थी। हर माँ बाप अपने औलाद को अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी परवरिश देना चाहती है ताकि उसके औलाद आगे चलकर कुछ बन सके। इसलिए माँ बाप बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने की जोर करते हैं। एरोली की रहने वाली शिल्पा जाधव अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी को पढ़ाने की कोशिश कर रही है वही बेटी उनकी जान ले लेगी। आखिरकार शिल्पा जाधव की 15 साल की बेटी ने कराटे की बेल्ट से शिल्पा जाधव का गला दबाकर उनकी जान ले ली। शिल्पा जाधव के घर का दरवाज़ा काफ़ी देर तक बंद रहा और पुलिस को शैलेश पवार नाम के एक शख्स ने इसकी सूचना दी कि शिल्पा जाधव का घर का दरवाज़ा काफ़ी देर से बंद है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर देखा तो सभी दंग रह गए। तत्काल शिल्पा को अस्पताल पहुंचाया गया मगर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब कड़ाई से 15 साल की बेटी से पूछताछ की तो बेटी ने बताया कि हमेशा पढ़ाई पर उसकी मां दबाव बनाती रहती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। रवाले पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है और 15 साल की बेटी को हिरासत में ले लिया। आणि हा ॲडमिशनच्या द्वारे केलेला आहे गुन्हा।